हेलो मेरे प्यारे भाइयों और बहनों, मतलब मैं सबके लिए वीडियो लेके आई हूँ। मैंने बहुत साल नहीं, शायद एक ही साल हुआ है, एक साल मैंने वीडियो पोस्ट की थी ओला बाइक की, कि ओला राइड मैंने ली थी लखनऊ में और मैंने उसका छोटा सा क्लिप डाला था। जो मुझे आई डोंट नो, मेरे कोई भी शॉर्ट्स इतना नहीं चले जितना मुझे ओला बाइक वाली शॉर्ट से लिया है। माय गॉड, थैंक देखने के लिए, इतने प्यारे प्यारे कमेंट करने के। तो मुझे उस वीडियो पे नेगेटिव एंड पॉजिटिव दोनों टाइप के कमेंट है। किसी ने लिखा आप अकेली बाइक से चली गई, किसी ने बोला हेलमेट नहीं लगाया आपने, किसी ने बोला लड़के भी शरीफ होते हैं। ओहो गाइस, मेरे खुद के दो भाई हैं, मतलब मैं ऐसे लड़कों पे कैसे डाउट करूँ। मतलब दुनिया एक जैसी नहीं होती, मैं ये मानती हूँ, लेकिन अगर हम सब पे डाउट करते रहेंगे तो अगर मैं किसी मुसीबत में पड़ गई तो मैं तो किसी कभी हेल्प भी नहीं मांगूंगी। तो ये सब बातें छोड़ दीजिए, ह्यूमिलिटी की बातें, ये तो अलग टॉपिक हो गया। पहले मैं आप आती हूँ ओला बाइक को लेके। कई लड़कियाँ झिझकती हैं, जैसे मैं लखनऊ सिटी जब जाती हूँ तो बहुत ज़्यादा ट्रैफिक होता है। मतलब अगर मैं कार करती हूँ ना, तो जहाँ मुझे 10 मिनट पहुँचना था वहाँ मैं 1 घंटे पहुँचती हूँ, इतनी ज़्यादा ट्रैफिक होती है। तो अगर मुझे कहीं अकेले जाना, सपोज मुझे किसी डॉक्टर पास जाना सपोज, या मुझे कहीं शॉपिंग के लिए जाना है, तो मुझे ओला बाइक ही सबसे बेस्ट लगती है। एक तो इतनी बड़ी सिटी है, ऊपर से इतना ट्रैफिक, तो मुझे ओला बाइक जहाँ मैं 150 रुपये में पहुँचती हूँ, 150 रुपीज़ में, अगर मैं ओनली 40 रुपीज़ में पहुँच रही हूँ तो मुझे कांटे लगे हैं क्या कि मैं 150 रुपीज़ खर्च करूँ, जब मुझे 45 लग रहे हैं, 40 रुपीज़ लग रहे हैं। तो आप, और इतना बढ़िया चल गया जी इमरजेंसी नंबर, ओला में आप कस्टमर केयर कॉल कर सकते हैं, आपकी हर तरह से हेल्प करने के लिए हर चीज़ अवेलेबल है। और मैं कौन सा, मतलब जंगल में जा रही हूँ, खंडहर में जा रही हूँ, मुझे डर लगा रहेगा। तो ये आपके ऊपर है कि आप कहाँ ट्रैवल कर रहे हो और कैसे ट्रैवल कर रहे हो। आधी गलतियाँ गर्ल्स की भी होती, मैं ये नहीं कह सारे बॉयज़ खराब होते। अगर मैं आधी रात को ओला बाइक लूँगी तो किसकी फॉल्ट है, तो मेरी फॉल्ट है ना कि मैं बेवकूफ जो ओला बाइक ले रही हूँ रात के 12 बजे। आप जो है अपने, मतलब जैसे आपको सुविधा हो उसके अकॉर्डिंग ही आप फैसिलिटी चूज कर सकते हैं ना। अब जैसे दिन के टाइम में मुझे सपोज मार्केट जाना है और ट्रैफिक एकदम पीक पे रहता है, मॉर्निंग 10 o'clock या इवनिंग 5 o'clock के अराउंड, अगर मुझे 5 o'clock के अराउंड जाना है तो मुझे ओला बाइक सबसे प्रीफर मैं करूँगी कि भाई फटाक से मैं पहुँच जाऊँगी, वो शॉर्टकट लेके मुझे पहुँचा देगा। क्योंकि लखनऊ मेरी जानी पहचानी सिटी, हर गली कूचा मैं बहुत अच्छे से जानती हूँ। इवन अगर उसको नहीं पता होगा तो मैं रास्ता बता सकती हूँ, मुझे इतने अच्छे से पता है सारे रास्ते। तो अगर मैं ले लेती तो मेरे लिए तो बेनिफिट है ना। तो मैं ये बोलना चाहूँगी जिस जगह की आपके रास्ते की अच्छी पहचान हो और आपको पता रहे कि आप सेफली ट्रैवलिंग कर सकते हैं, तो आप वैसे ट्रैवलिंग करो। अब जैसे मैंने कैसे ट्रैवलिंग की थी आप देख सकते हो, मैंने मुंह पर दुपट्टा बांधा हुआ था और मैं बाइक से चली गई अपने। तो अरे मुझे क्या जान पहचान बढ़ा रही है बाइक वाले से, आपके ओला कार में बातचीत करते हो, अपना चाचा काका बना ले तो नहीं बनाते हो ना। वो अपनी ड्यूटी कर रहा है सिंपल, मैं अपनी ड्यूटी कर रही हूँ, वो बोलेगा मैडम रेटिंग दे देना है, मैं रेटिंग दे दूंगी। वैसे ही सेम बेचारे बाइक वाले होते हैं, वो बोला हमें आएंगे पिक करेंगे छोड़ेंगे, मैम रेटिंग कर देना, अब मैं रेटिंग कर दूंगी। तो आपको इतना बोलने की ज़रूरत ही नहीं है किसी से, आपने अपने बताया भैया यहाँ जाना है, बाइक बैठे। और रही हेलमेट की बात गाइस, तो वो सिंगल हेलमेट ही लेके आते हैं, वो डबल हेलमेट नहीं लेके आते। वो जैसे हॉलीवुड मूवी में दिखाता है कि हीरो बाइक हीरोइन बाइक बैठी तो एक हेलमेट पकड़ा दिए, वैसा कुछ नहीं होता, वो लोग एक्स्ट्रा हेलमेट लेकर नहीं चलते हैं। तो वो कहते हैं ना राइड एट योर रिस्क, तो मैं अपने रिस्क पर राइड कर रही थी। तो बिना हेलमेट के ही हमको बैठा देते हैं और हमें जहाँ जाना रहता है हमें वो, मतलब रास्ते में आपसे कुछ बोलेंगे ही नहीं, वो अपना इजली अपना बाइक चलाएंगे और आपको जहाँ जाना है, क्योंकि उनके मैप में ऑलरेडी मोबाइल में रहेगा कि हमें यहाँ जाना है, तो वहाँ आपको ड्रॉप कर देंगे। और इतने तो हम हैं ही समझदार कि हमें पता है कि हमारा रास्ता कौन सा है। अगर आपको नहीं पता है तो ऐसे तो आपको कार वाले बेवकूफ़ बना सकते हैं, बाइक वाले को तो बात ही छोड़ो, कार वाले भी तो कहीं भी लेके चले जा सकते हैं। तो इन सब चीज़ों पे मैं क्या बोलूँ, मतलब इस तो ये अलग ही टॉपिक हो गया। बट रही ओला बाइक के साथ, तो आप जैसे ओला पे कार बुक करते हैं वैसे ही सेम आप ओला राइड बुक कर सकते हैं। आप जैसे किसी लड़की को एग्जाम के लिए जाना है, उसे लेट हो रहा है, तो वो ओला बाइक ले सकती है, इजली टाइम पे पहुंच जाएगी। क्या रास्ते में लोग लिफ्ट नहीं लेते, लोग लेते हैं ना मुसीबत पड़ने पे, उसी तरह वो थोड़े 2-4 पैसे कमा लेंगे, टाइम पे पहुंच जाएंगे। तो क्या जाता है इसमें, इतने लोगों ने कमेंट किया, मैं तो कमेंट से ही, मतलब मैं कमेंट की माय गॉड, होते लोग बुरे लोग भी होते हैं और साथ में, लेकिन यार अच्छे लोग भी तो होते हैं, हम अच्छे लोगों को कैसे छोड़ दें। बेचारे इतनी मेहनत करते वो लोग, अपना काम कर और पढ़ाई करते, ओला बाइक चलाते, तो उन लोगों की भी तो लाइफ है। जोमेटो वाले देखो आप लोग कितना मेहनत करते हैं, और जोमेटो वाले खाना देख के हमारे दरवाजे पहुँच जाते तो हम ऐसे कर सबको सबकी निगाहें देखो, तब तो हो गया काम, हम तो किसी बिलीव ही नहीं करेंगे। तो मुझे पर्सनली, मैं अपना ओपिनियन बताती हूँ, लोगों को सकता है कई लोग को अच्छा लगे कई लोग को बुरा करे, मैं जब भी अपने नेटिव प्लेस जाती हूँ लखनऊ, मैं ओला, अगर मैं अकेले जा रही हूँ, जैसे मेरे 2 बच्चे हैं तो ट्रिपलिंग क्या, हम 3 और वो ओला बाइक लोग के नीचे चलेगा क्या,
हम ही तीन बैठ जाएंगे गाड़ी पे, तो मैं ट्रिप मतलब तीन अपने दो बच्चों के साथ अपने और उसको लेके तो बाइक पे नहीं जा सकते, तब तो मैं कार ही बुक करती हूँ। अब मुझे कहीं अकेले जाना पड़ता है तब मैं ओला बाइक प्रेफर करती हूँ, मैं फटाक से जगह पहुँच जाती हूँ, मेरा भी टाइम बचता है, फिर मैं अपने बच्चों के पास जल्दी पहुँच जाती हूँ, मुझे भी ईजी पड़ता है। तो अगर मैं अपने बच्चों के साथ जाती तो मैं कार बुक करती हूँ, और जब मैं अकेले जाती तो मैं ओला बाइक बुक कर लेती हूँ, तो मुझे ज़्यादा ईजी पड़ता है। और वहाँ तो अब ट्रैवलिंग के इतने ज़्यादा मतलब आपके ऐसे ऑनलाइन ऐप आ गए ना कि आप खुद ही कन्फ्यूज हो गए कौन सा बुक करें। तो मुझे पर्सनली ओला उबर बाइक मुझे पर्सनली बहुत अच्छे लगे, और ट्रस्ट मी अभी तक मुझे कोई कंप्लेन नहीं ऐसी मेरे साथ हुई है कि मैं आपको कंप्लेन करूं कि नहीं बहुत ख़राब है बहुत ख़राब है। मुझे तो सही लगा, मैं बहुत दिल्ली से लेके नोएडा से लेके लखनऊ से लेके कई बैंगलोर से मैंने कई जगह ऐसे ऑनलाइन यूज़ किया, तो मुझे तो सही लगा, ऐसी मुझे कभी कोई प्रॉब्लम नहीं हुई है। और ये वीडियो अगर गर्ल्स देख रही हैं तो प्लीज़ ऐसी जगह जाना अवॉइड करिए कि जहाँ को ना जाना हो। आप समझ सकती मैं क्या बोलूँ, तो मार्केट जाना है लोकल सिटी में जाना है तो आप इजीली कर सकते हो ओला बाइक। यार आपका 100 रुपये की जगह 20 रुपये लग रहा है तो क्या बुरा है, आप सिटी बस कर से सिटी बस में लोग बोलेंगे कि यार सिटी बस में तो 20 रुपये लगता है। अरे यार एक बार मुझे दिल्ली स्टेशन से कहाँ आ जाता मुनेरका के कहीं जाना था एग्जाम देने के लिए, जहाँ मुझे मेट्रो से 15 मिनट पहुँच जाती वहाँ मैं 2 घंटे पहुँची थी, तो यही सिटी बस का डिफरेंस है। तो ट्रैफिक को जैसे बहुत बाइक वाले के खटाखट इधर उधर से निकाल के सब पटापट पहुंचा देते, बस यही डिफरेंस है कि बाइक मैं क्यों प्रिफर करती हूँ, क्योंकि मैं जल्दी पहुंच जाती हूँ और मुझे रास्ते पहले से पता रहते हैं। तो ये मेरा प्लस पॉइंट है कि मुझे रास्ते पता रहते हैं। अगर वो लंबे रास्ते ले जा रहे हैं मैं कहूँ भैया शॉर्टकट चलो इधर से रास्ता है, क्योंकि मुझे सब पहले से पता है रास्ते, मेरी वो होम सिटी तो मुझे सब पता है। तो आप समझ गए होंगे कि मैं कितनी इतनी कंफर्टेबल क्यों ओला बाइक पर रहती हूँ। और थोड़ा बहुत तो खुद पे और दूसरों पे ट्रस्ट तो करना ही पड़ेगा, नहीं तो कैसे दुनिया चलेगी। तो ये मेरा वीडियो अगर आपको पसंद आया और मेरी बातें अगर बुरी लगी हो किसी को तो उसके लिए सॉरी, और जिसको समझ में आई हो तो भाई उसके लिए बहुत दिल से थैंक यू। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में कोई अलग रिव्यू कोई अलग प्रोडक्ट के साथ, तब तक के लिए बाय बाय।